कोई भी मित्र कुछ पूछे। तो मैं नज़दीक बहुत धीरे बोल रहा हूँ। मौन साधने के लिए, मौन साधने के लिए कोई सीधा सूत्र, कोई सीधा सूत्र मौन के लिए, मौन के लिए कोई सीधा सूत्र, जैसे कि डायनेमिक नटराज, नान धर्म, उपासना, इधर से उधर से आगे से पीछे से बैठो। देखिए, मौन की साधना सीधी होना असंभव है जैसा व्यक्ति है, क्योंकि मौन एक अवस्था है जो बनती है। साधक साधना करता जाता है, उसी अनुपात में उसके भीतर शांति उतरना शुरू हो जाती है और अपने आप उसे अनुभव होता है कि मैं मौन हो रहा हूँ। मौन असली में कोई कर नहीं सकता, मौन घटता है। हम कितना ही करने का प्रयास करें, आवाज नहीं आ रही इससे बाबा, वो रिकॉर्डिंग के लिए है, वो लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए तो अच्छा अच्छा ठीक। आपके हाथ को डिस्टर्ब, इधर से लगा दो। हाँ ठीक। हम कितना ही प्रयास करें कि मौन को साध लें, वो जितना साधोगे उतना और ज़्यादा उपद्रव होगा, जैसा तुमने देखा होगा। अभी हमारे साथ कुछ मित्रों ने मौन किया तो कह रहे थे कि हम साधारण जिंदगी में बहुत बढ़िया थे, जब मौन में बैठे तो कहाँ कहाँ के विचार, क्या क्या हमारे भीतर उतरना शुरू हुआ। तो बाहर जब कुछ निकल नहीं पाता है तो गोल गोल घूमता रहता। तो सीधी साधना तो मौन की नहीं, उसके लिए आपको जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हैं, असली में वो प्लेटफार्म बदलना पड़ता है। हमारे जो विचार चलते हैं, जो उपद्रव होता है हमारे अंदर, हमारी वो अवस्था होती है, उसका रिएक्शन है। जो हमारी भीतर की अवस्था है उसी का रिएक्शन है। जिस केंद्र में हम जीते हैं उस केंद्र का परिणाम। तो साधारणतर लोग जिस अवस्था में जीते हैं उनकी सोच से पता लग जाता है कि वो किस सेंटर में जीते, ऐसे पता लगाना मुश्किल है। फिर साधना धीरे धीरे आपका केंद्र बदल देती है। जैसे ओशो कहते हैं कि बिल्कुल संसार में जो व्यक्ति जीता है वो सिर्फ उसके आखिरी केंद्र को जीता है, और आखिरी केंद्र में जो उपद्रव हो सकते हैं वो उसको होते हैं। तो अब घटना केंद्र के कारण घट रही है और हम परिधि पे उसे संभालने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है। तो विज्ञान कहता है धर्म का कि केंद्र को बदल लो। जैसे ही तुम जागृति तुम्हारे अंदर बढ़ेगी, किसी भी ध्यान साधना पद्धति से आपका केंद्र बदल जाएगा, और जैसे ही आपका केंद्र बदलेगा आपकी विचार की प्रक्रिया पूरी बदल जाएगी, आप कुछ अलग ढंग से सोचने लगेंगे।
फिर और केंद्र बदलेगा तो और सोचने लगेंगे अलग ढंग से, और सोचने का दायरा कम होने लगेगा। पहले तो इतना सोचते हैं कि एक विचार को दस तरह से घुमा घुमा के देखते हैं, विचारों की रिपीटेशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब आप दूसरे केंद्र में, तीसरे केंद्र में, चौथे केंद्र में जब पहुँचेंगे अपने, करीब करीब व्यक्ति जब चौथे केंद्र में पहुँचता है तो पहली बार वो अपने विचारों को देख पाता है, क्योंकि विचार के बीच में गैप बढ़ जाता है। एक विचार से दूसरे विचार में जाने में हमें थोड़ा सा समय मिल जाता है देखने का, तो फिर हम उसको देख पाते हैं विचार को। और जैसे ही हम उस विचार देखते हैं, निश्चित ही वो विचार बेदाबी होता है, वो फिर चलता नहीं है, वो गोल गोल नहीं घूमता, और आपको उस अवस्था में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप जागृत हैं और हर विचार आपको जागृत कर रहा है। क्योंकि जैसे ही विचार को देखेंगे, विचार आप में लय हो जाएगा। अभी तो विचार इतने घूमते हैं कि ओवरलैपिंग चलती है, शायद 10-10 विचार एक साथ काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई कहे कि हम विचारों के साक्षी हो जाएं, विचारों को देख लें, समझ लें, ये असंभव है। तो धर्म कहता है कि आपको आपकी परिस्थिति नहीं बदलना, आपको आपकी स्थिति बदलना। अब हम परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं कि जंगल में चले जाएंगे, शांति हो जाएगी, या शिविरों में आ जाएंगे तो शांति बैठ जाएगी। अब ये सब चीज़ें जो भी घटेंगी, अगर शिविर में शांति है तो वो तुम्हारी नहीं, शिविर की शांति है। अगर पहाड़ पे शांति है तो वो तुम्हारी नहीं है, पहाड़ की शांति है। अगर पहाड़ पे मौन समझ में आ रहा है तो वो पहाड़ की वजह से आ रहा, आपकी वजह से नहीं आ रहा। अगर आपकी वजह से आ रहा होता तो आपके घर में भी आना चाहिए था। तो सरल क्या लगता है कि परिस्थिति बदल दो, घर छोड़ दो, एकांत में रहने लगो, ऐसा करो वैसा करो, भाग जाओ, काम धंधा मत करो, क्योंकि बड़े फंसे पड़े हैं। आप कहीं भी चले जाओ, सब कुछ टेम्परेरी होगा। तो धर्म ये कहता है कि आप अपनी अवस्था बदलो, और अवस्था देखिए बड़े आराम से बदली जा सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि आप यहां से उस दरवाजे तक जाते हैं, एक तो आप मशीन की तरह चले जाते हैं, बहुत सारे विचारों का ऊहापोह, और वो विचार ही ले जाते हैं आप क्या जाते हैं। सच पूछो तो हमें विचार ही यात्रा कराते, हम विचारों को यात्रा नहीं कराते, विचार हमें यात्रा कराते। वो उठते हैं, धक्का मारते हैं और आपको ले जाते हैं। अब एक होश की प्रक्रिया है, आप यहाँ पूरे होश पूर्वक खड़े हों पहले, और फिर होश पूर्वक यहाँ से वहाँ तक जाएं, तो आप आश्चर्य करोगे कि आप थोड़े से थक जाओगे। क्यों आदमी होश में नहीं जाता? कि जैसे ही होश में जाता है तो उसका जो मैकेनिज्म है वो टूटने लगता है, और मन और शरीर दोनों बगावत करते हैं। उनको आदत पड़ी है भागने की, दौड़ने की, बिल्कुल मैकेनिकल काम करने की। तो जैसे ही तुम इधर से उधर तक जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे थक गए हो। लेकिन एक चीज देखना, शरीर से मन से थकोगे लेकिन भीतर से कोई स्वाद आ जाएगा। तुम
एक बार भी जाकर देखो। अगर तुम यहां से वहां तक गए तो तुम बदलोगे जरूर, तुम्हारे अंदर हल्की सी बदलाहट आ जाएगी। क्या ऐसा हुआ है कि होश में अगर चले 10 कदम चलने पे कोई और बंदा या कोई बंदा ही नहीं रहा वहां पर, लाइट लाइट से लगता है। क्या बोलती है? वहां पर पहुंचने पर ऐसा लगता है कि कोई रहा ही नहीं शरीर रूप में, या कोई और ही चल रहा है, ऐसा लाइटनेस इतनी गई है। हां वो तो ऐसा ही रहेगा। अगर आप जरा इनको देना, क्या बोल रहा है, भगवान के इसमें डर भी पकड़ता है फिर प्राणी आते ले ले हमारा। क्या बिल्कुल देखिए ये क्या है प्रक्रिया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये कठिन नहीं है, हमारे हाथ में है और किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इस खेल को खेलने आप सक्षम, परमात्मा ने वो संपदा आपके भीतर दी है होश की। जैसे ही आप होश की प्रक्रिया शुरू करेंगे, देखिए ये जो डायनेमिक है, कुंडलनी है, नाद ब्रह्म है, नटराज है, जितने भी ध्यान होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं कि आपको होश का स्वाद दिला देते हैं कि होश क्या चीज़ होती है। ऐसे अगर आपसे होश की बात करो तो पकड़ में आएगी नहीं, इसलिए ये सब दंड बैठक लगाना अनिवार्य है। कोई अगर इन ध्यानों से नहीं गुजरेगा तो कितनी कोशिश करे वो होश होता क्या है। तो ये प्रयोग करने से एक पता लगता है कि हमारे बावजूद भी कुछ है, होश का पता लग जाता है। अब फिर उस होश को जीवन में उतारना, सवेरे ध्यान किया बहुत बढ़िया ढंग से, होश की कोई प्रक्रिया बनी और जैसे ही नाश्ता आया कि आप आदत जैसा नाश्ता करने लगे। हम 5 दिन यहाँ रह रहे हैं, 5 दिन भी मैंने पहले दिन कहा था कि यहाँ हम रह रहे हैं तो विपसना की विधि से रहें, हमें हमारी श्वास का पता लगता रहे। अगर आपको श्वास का पता लगता रहे तो आपका भी पता लगता रहेगा। लेकिन नहीं कर पाते लोग, जैसे ही यहाँ से जाते हैं और भोजन की तरफ जाते हैं तो भोजन बेहोशी में करने की आदत पड़ी हुई है, बिल्कुल बेहोशी में करने की। तो जैसे ही आपका बेहोशी में भोजन गया वो होश का स्वाद चला जाएगा। अब भोजन का स्वाद हावी हो गया आपके ऊपर और होश आपको चला गया। लेकिन कहीं चला जाए होश, होश आपको पीछा करता ही रहता है, आप आश्चर्य करेंगे। जिंदगी में ऐसा आप कोई काम नहीं करते जिसके पीछे थोड़ा बहुत होश ना लगा हो, आपको उसका पता नहीं है। पता लगाने हम साधना करवाते हैं, साधना करके उस बात का पता लग जाता है। अब उस होश पे बैठ के आप सब काम करिए, संसार के जितने भी काम हैं आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई पाप पुण्य का लेना देना नहीं है, लेकिन हर काम आपका होश में होना चाहिए। इसके लिए मैं एक तरकीब बताता हूं। जब आप बिस्तर से उठते रात में, सबसे बढ़िया पॉइंट होश का पकड़ने का जो है वो है सवेरा ब्रह्म मुहूर्त। जब ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब आपकी आंख खुले, आँख को मत खुलने दीजिए। जैसे ही पहली जाग आए आपके भीतर, आपकी जाग, नींद टूटी आपकी, आपकी नींद टूटे, थोड़ी मेरी बात को अच्छे से याद रखना और थोड़ा जीने की कोशिश करना, सारा गेम बदलेगा आपका। जैसे ही नींद टूटे आँख मत खोलो, इधर उधर मत देखो। पहला अनुभव आपको किस चीज का होता है जब आपकी नींद टूटती है? पहला अनुभव, नींद जैसे ही टूटेगी तो पहला अनुभव किस चीज का होता, कभी ख्याल किया आपने? अभी शरीर पूरे में, शरीर में नहीं आए हैं, शरीर में जागे नहीं हैं आप,
पूरा शरीर नहीं पकड़ा है, चीज़ें भी नहीं पकड़ी हैं, और एक जाग आई आपके भीतर। निश्चित ही आप रात में सोए थे, रात भर सोए थे, और एक जागरण आपको, पहला अनुभव आपको जागरण का होता है। सिर्फ आपको पता होता है कि आप जाग गए, होता है ना, आपको यही बोध होता है कि जाग गए। जाग ना हो हुआ, यानी तुम क्या हुए पहले, पहले जाग हुए, हुए कि नहीं, सबसे पहला अनुभव कह रहा हूं। कभी देखना आप बिस्तर से बिल्कुल आप आंख नहीं खोलेंगे, मटकेंगे नहीं, जैसे ही आप इस सूत्र को पकड़ के बैठिए, ये बड़ा मज़ेदार सूत्र है, तो आपको पहला अनुभव आएगा जाग, आप जागे, फिर आप जागना हुए, फिर क्या होगा, शरीर पे आ जाएंगे, तो जाग शरीर में कन्वर्ट हो गई, आपको शरीर के होने का बोध हो गया, फिर आंखें खुलेंगी, पत्नी साथ में होगी, उसकी तरफ नज़र जाएगी, तो पति का एहसास हो गया, मतलब पत्नी का एहसास होते ही पति का एहसास हो गया। ऐसे जे जाग जो है हमारी, जो हमारा होना है, जाग क्या, जाग हमारा होना, बारीकी से समझना इस बात, जो पहला अनुभव होता है वो हमारे होने का होता है, हमारे होने का, स्वयं के होने का। और आप आश्चर्य करोगे, तुम्हारा होना जो पहला होना है, जिसका किसी से नाम और रूप से रिलेशन ना हो, होने का नाम ही परमात्मा है। मजा देखो आप, अब तुम परमात्मा से ही शुरू होते हो, और परमात्मा होते होते तुम व्यक्ति हो जाते हो, और फिर सृष्टि हो जाते हो दिन भर, और जो पहला अनुभव था परमात्मा का वो खो गया। तो ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन तुम्हारी शुरुआत परमात्मा होने से ना हो, बड़ा गजब का खेल है, वो विडंबना है जो हम जीते हैं। एक स्वाद ही है ना आपका होना, आपको पता लगता है होने का, जब आपकी नींद खुलती है तो होने का पता, अगर आप नहीं हो तो शुरुआत नहीं हो सकती। शुरू शुरू में तो आपको होने का ही बोध होगा ना कि मैं हूँ, जाग का क्या बोध होता, अपने होने का ही होता है। अभी होना कुछ हुआ नहीं है, अभी होना शरीर नहीं हुआ, मन नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ, भाव नहीं हुआ, सिर्फ होना एक स्वाद की तरह है। और वो होना, तुम आश्चर्य करोगे, वही परमात्मा। अब इस होने को पकड़ के चलो, पहले तो सवेरे आप उठो तो इस होने में थोड़ी देर जितने रुक सको उतने रुको, और फिर थोड़ी देर बाद रुकोगे तुम, 5-7 सेकंड रुक गए तो बड़ी बात है, 1-2 मिनट रुक गए तो महावीर हो, फिर तुम तुरंत शरीर पे आ जाओगे। तुम्हें आदत पड़ी है शरीर होने की, अब तुम शरीर कहीं से कहीं नहीं हो, तुम्हारे होने की वजह से शरीर प्रकाशित हुआ। मजा देखो, तुम्हारे होने की वजह से नहीं, शरीर तो पहले भी था जब तुम नहीं थे, सो रहे थे, तुम गहरे से गहरे शरीर से रिलेटेड नहीं थे, बिल्कुल बाहर थे शरीर तो रात में तुम्हें होने का बोध कहाँ हो रहा था, शरीर को हो रहा था, क्योंकि तुम तो शरीर ही को होना मानते हो, लेकिन शरीर तुम नहीं हो, क्योंकि तुम जब गहरी नींद में सो रहे थे तो तुम्हें शरीर का बिल्कुल बोध नहीं था, लेकिन तुम तो थे। तुम्हारा होना उस समय स्वप्न की तरह था, और तुम्हारा होना उस समय नींद की तरह था, लेकिन तुम्हारा होना नहीं मिटता है,
ना नींद मिटा सकती है, ना स्वप्न मिटा सकते, ना शरीर मिटा सकता है। अगर तुमको जो मेरी बात समझ में आई तो डबल एरो में काम होगा। जैसे ही जागो तो होने को पकड़ो, होने को पकड़ोगे तो तुम जो स्वप्न में होने में चले जाते हो वो बंद हो जाएगा, नींद में होने में चले जाते हो तुम्हारा होना नींद हो जाता वो बंद हो जाएगा। तुम्हारा होना नींद नहीं होगा, होगा लेकिन नींद नहीं होगा। नींद नींद है, सपना सपना है और शरीर शरीर है और मन मन है। अब ऐसे जो सब डिवीजन है पूरा का पूरा, जिस तरह से तुम्हारा शरीर है, फिर तुम्हारे विचार हैं और भाव है और फिर पूरी दुनिया, इसी तरह से स्वप्न है, उसी तरह से नींद है। क्या हुआ जी, बंद हो गया? क्यों? मैंने तो कुछ किया नहीं, ये भी साइलेंस में चला गया। मैं जो बात कह रहा हूं मित्रों, देखो तुम परमात्मा को कितने ही ढूंढना, लाओ हाथ वाला दे दो, चल रहा है? हाँ, तो इसको पकड़ लेता हूं। मेरा क्या इशारा है कि तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, अब तुक्के मार रहे हो बस, किताब में सुन लिया है परमात्मा ऐसा है परमात्मा वैसा है, कहानियों में सुन लिया, अब तो पिक्चरों में ज़्यादा दिखाने लगे। तो तुम्हें किसी चीज़ पर गहरे से गहरे भरोसा नहीं आता, परमात्मा पर कभी किसी को भरोसा नहीं आता। वो चलता है लोभ और भय के कारण, लेकिन भरोसा तो नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा अनुभव तो नहीं है परमात्मा को जानना, तुम्हारा अनुभव नहीं है। और जो तुम्हारा अनुभव नहीं है उसे तुम कितनी कोशिश करना, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। सारी दुनिया मरी जा रही है परमात्मा को इस दम से मानने में, और कहीं नहीं जा पाती, क्योंकि आपके हाथ में कोई छोर नहीं है। परमात्मा तुमसे शुरू होगा, यात्रा परमात्मा से शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो तुम्हारा अंत है। परमात्मा तुम्हारा अंत है तो उसकी शुरुआत तुम शुरू में कैसे कर सकते हो? तो यात्रा कहां से शुरू होगी? तुमसे शुरू होगी। परमात्मा अगर शुरू भी होता है तो वो तुमसे होगा, तुम्हारे होने से। अगर तुम नहीं हो तो कैसे परमात्मा, जरा अंदाज लगाओ, जो माना होगा वो भी नहीं होगा। अगर तुम ही नहीं हो, परमात्मा भी है तो तुम्हारा होना जरूरी है ना, उसे देखने समझने जीने के लिए तुम्हारा होना जरूरी है कि नहीं? संसार को होने को भी तुम्हारा होना जरूरी है। अगर तुम नहीं हो तो ये संसार हो सकता है क्या? जब रात में आप नहीं होते हैं तो क्या संसार होता है? कुछ होता है कि जब रात में आप नींद में गहरी, क्योंकि तुम नहीं हो तो गया संसार पूरा का पूरा, पूरा चला जाता है कि नहीं? साले सोने चांदी हीरे मोती और आपके पति पत्नी के रिश्ते और परिवार का सब सब ड्रामा खत्म हो जाता जब आप नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो दुनिया है और दुनिया का जितना भी खेल है, ये सब तुम्हारे होने से है। तुम हो तो ही है ना, अगर तुम नहीं हो तो कोई चीज हमें प्रमाण रूप से दिखा दो कि तुम नहीं हो, ये चीज तुम्हारे लिए, दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए।
तुम नहीं हो तो सब गायब, सब गया, कुछ भी नहीं है। अब ये बात बिल्कुल गहराई से समझ लो कि किसी चीज का अगर मूल है तो वो मूल कौन डालता है? आप डालते हो। अगर आप नहीं है तो जैसे दुकान में सामान पड़ा है, आप नहीं घुसे तो वो दुकान में कोई सामान कहता है कि मेरा ये मूल है? कहता है क्या? कोई हीरा नहीं कहता कि मैं हीरा हूँ। हीरा को तो बेचारे को पता भी नहीं होता कि वो हीरा या मोती है। अब ये तुम्हारे होने का ही खेल है, तुम गवाह हो जाते हो, और जिस चीज के हम गवाह हो जाते हैं वो चीज जिंदी हो जाती है। जिस चीज के भी गवाह होते हैं वो चीज जिंदी हो जाती है। अगर आप एब्सेंट हो तो ये नहीं है आपके लिए, आपके बगल में कौन बैठा है। आप एब्सेंट हो, आप इनकी मौजूदगी के गवाह होंगे तो फिर ये जिंदा है, होते हैं कि नहीं। तो सारी चीज घूम फिर के कहाँ आ गई? घूम फिर के ये आ गई कि अगर मैं नहीं हूं, मैं सोया हूं या हूं ही नहीं, तो इस जगत में मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अब जब जगत की छोटी छोटी सी चीजें भी तुम्हें नहीं हो सकती तुम्हारे बगैर, परमात्मा कैसे हो जाएगा तुम्हें? मरे जा रहे हैं लोग, शास्त्रों में ढूंढ रहे, आरतियां उतार उतार के मरे जा रहे हैं, पूजा कर करके मरे जा रहे हैं। एक जिंदगी का ऐसा खेल है जो 70-80 साल चल जाता है, लेकिन सब के सब बेरंग ही रह जाते हैं। और हम और आप भी बेरंग रहे हैं बहुत बार। अगर गुरु ना मिला हो तो ये सब रामायण सब ऐसी चलती। गुरु मिलता है तो गुरु क्या करता है? वो बड़ी सीधी सीधी बात बताता, तुम्हें उलझाता नहीं। वो कहता है यात्रा तुमसे शुरू करो, जहां तुम खड़े हो तुमसे ही शुरू होगी। अगर संसार तुमसे शुरू होता है, ये तो तुम्हें अनुभव है कि तुम संसार बनाते हो, करते हो, जो भी करते हो, तो जनाब परमात्मा भी तुमसे ही शुरू होता है। तो अब तुम क्या करो कि सवेरे तुम परमात्मा होते हो, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब तुम्हारा पहला अनुभव होता है होने का, वो परमात्मा होने का ही अनुभव है। वो एक छोर बन गया, वो एक छोर की तरह तुम्हें मिल गई बात, वो बड़ी मजेदार बात है। वो अब तुम्हारा मन जो है कुछ और ना हो पाए, ज्यादा से ज्यादा उस होने के साथ जी। थोड़ी देर के लिए भी मन कुछ शरीर ना हो पाए, मन ना हो पाए, पति ना हो पाए, पत्नी ना हो पाए, थोड़ी देर को वो होने में डूबा रहे, जो होना होने से शुरुआत हुई। अगर थोड़ी देर को भी वो डूबा रहा तो क्या हो जाएगा कि मन संसार का साक्षी होने लगेगा, संसार की हर प्रति का मन साक्षी होने लगेगा। क्यों? कि उसको कोई अलग स्वाद मिल गया। अब तुम कह रहे हो कि मौन में होना, मौन में ऐसे होगे जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे तुम मौन में नहीं हो सकते हो, क्योंकि मन के लिए संसार तो खेलने हैं, वो सारी रचना वही रचता है, और डूबने के लिए तुम्हारा होना है, तुम्हारे होने में डूब जाए। तो तुम याने अभी जैसे तुम हो मन, और तुम्हारा होना तुम्हारी आत्मा। अब आत्मा से शुरू होगी तो परमात्मा पे जाएगी, मन से शुरू होगी यात्रा कहीं नहीं जाएगी। यात्रा आत्मा से शुरू होगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का हिस्सा मन नहीं है, मन परमात्मा का हिस्सा नहीं है, मन पदार्थ ही है, चैतन्य नहीं है, और शरीर भी पदार्थ है। लेकिन चेतना का जब प्रभाव मन पर पड़ता है तो मन जीवंत हो जाता, वो समझता है मैं ही सब कुछ हूं। और मन का प्रभाव पड़ता है शरीर पे तो शरीर ये मानता है कि सारी दुनिया मैं ही चला रहा हूं। आत्मा की देह है मन,
और मन की देह है शरीर, और शरीर की देह है संसार, ये जो आप सब देख रहे हैं। ये शरीर अपनी देह अनुभव करता है। लोग आप फैक्ट्री चलाते हैं ना, जो धंधा वंदा करते हैं, वो कहते हैं मेरी बॉडी है, ऐसा कहते हैं। जो धंधा करते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो कहते हैं ये मेरी बॉडी है, फैक्ट्री नहीं है, मेरी बॉडी है। और सच में शरीर ही संसार बनता है। तो अब इस खेल को समझना है कि मन का सही उपयोग जब हो, जब वो आत्मा की पूरी देह बने। आत्मा की देह मन को पता जब लगेगी, जब मन आत्मा में प्रवेश करे, एक बार स्वाद तो ले ले। अभी क्या है कि मन है बाहर और आत्मा सिर्फ प्रकाश देती है मन को, और मन को प्रकाश देती है तो मन को ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। उसे जो बोध नहीं है कि मैं आत्मा की देह हूं, उसे जो बोध नहीं है मन को, अगर उसे देह हो जाए तो फिर यात्रा शुरू हो गई। तो सवेरे सवेरे जो मैंने बात कही कि आप जब ध्यान में गहरे बैठे हैं, उससे उठ के आ रहे गहरी नींद से, तो आप अपने मन को अपने होने के साथ जोड़ लीजिए। अब संसार में जब आप काम काज में जाएंगे तो दिन भर आपको एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र क्या पढ़ना है कि मन को होने से जोड़ना, मन को होने से जोड़ना। देखिए, मैं शब्द जो है वो मन है, और हूं शब्द है वो आत्मा। मैं शब्द जो है ना, मैं का जब तुम उच्चारण करते हो तो वो मन का उच्चारण हो जाता है। अब अभी आप भीतर ऐसा अनुभव करें कि मैं हूं, नाम रूप नहीं, मैं हूं। तो मैं हूं में क्या हो गया कि मन आत्मा की तरफ, हूं जो है मन नहीं हो सकता, हूं तत्व जो है वो मन का नहीं है, वो आत्मा का है, और मैं तत्व जो है वो मन का है। तो अब इधर आप संसार में जब जाओगे तो मैं पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर किसी चीज से मिलकर हूं होगी तो वो आत्मा नहीं होगी। कि मैं पति हूं तो बिगड़ गया मामला, मैं हूं बस, मैं हूं। बार बार आपको अपने होने पे लौट के आना है। और ये तो पक्की बात है कि आप हमेशा होते हैं। जब भी आपको आपके होने की याद आती है, आप होते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं? मन जब भी याद करेगा होने की, तो आप बिल्कुल हाजिर होते हैं। ऐसा कभी होता है कि आप ना हो? मजा देखिए कि आप हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन आपके होने का मन गवाह नहीं होता, इसलिए आप होते हुए भी नहीं होते। और कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज गवाही से चलती है। अगर गवाह ना हो तो किसी चीज का एसेंस नहीं उतरता। संसार में भी हर चीज चलती है, वो गवाही से चलती है, चलती है ना। पति पत्नी क्या होते हैं? एक दूसरे के गवाह होते हैं। पति एक गवाही देता है कि तू मेरी पत्नी है, पत्नी जे गवाही देता है। अच्छा, कुछ कहते नहीं है, मौजूदगी सही होती है। जैसे ही बाहर से पत्नी आई तो पति का खेल चालू हो जाता है ना, उसने गवाही दे दी। इस संसार में हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को झूठी गवाही दे के जिंदा रख रहे हैं, झूठी गवाही दे। और बिना गवाही के किसी चीज का कोई एसेंस नहीं है। अब हम ये सारे संसार का जो उपद्रव करते हैं, ये हमारे होने का गवाह बनाते रहते हैं। अब जितने ज़्यादा हमारे होने के गवाह बन जाएं, उतना हमें बड़ी आराम मिलता, हमें लगता हम कुछ हैं। पूरा गवाही, और गवाहियाँ तो बदलती भी रहती हैं। कभी गवाही अच्छी लग गई तो केस आपके हाथ में,
और गलत लग गई तो फिर उलझ गया मामला, उल्टा हो जाता। अब ये बाहर की गवाहियों पे अगर तुम निर्भर रह के जिंदगी जी लोगे तो तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, जी नहीं पाओगे। तो मेरा निवेदन क्या है कि अगर दूसरे की गवाही मुझे इतना आनंद दे देती है, वो दूसरे की गवाही से जब तुम होते हो वो होना अहंकार कहलाता है, उसी का नाम अहंकार। इसलिए अहंकार के लिए कोई दूसरा चाहिए, अकेले में किसी आदमी को अहंकार नहीं होता। वो अकेला भी होता तो किसी को मौजूद कर लेता चित्त में, विचार में, तो ही वो अपने होने को अनुभव करता। मतलब दूसरे की गवाही से जो हम होते हैं, जो अनुभव करते हैं, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे दौलत हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, और चाहे आपका शरीर हो, अगर शरीर से आपके होने की गवाह लग रही है तो वो भी अहंकार की तरफ जाएगी, वो मैं अहंकार बनती है। जो दूसरे की गवाही से खड़ी होती है हूँ, वो हूँ आत्मा नहीं होती, वो होती है अहंकार। अहंकार ठीक उसी जगह खड़ा है जहाँ आत्मा खड़ी है, मजा देखो आप। इसलिए अहंकार से पीछा पाड़ना, क्योंकि अगर तुम आत्मा होकर नहीं जियोगे तो तुम्हें अहंकार होकर जीना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। संसार में या तो ब्रह्म होकर जिया जा सकता है जो मजे में जीता है कोई, या फिर अहम होकर जिया जा सकता है जो अहंकार है जिसको हम सब जीते हैं। और ठीक उसी प्लेटफार्म पे अहंकार खड़ा है जिस पे आत्मा खड़ी रहती है। हूपन तो वही है, लेकिन चूंकि दूसरे की गवाही से आया, और जब दूसरे की गवाही से आया तो वो पूरा का पूरा अहंकार हो गया। अब अहंकार को जीना है तो इस तरह से जियो, नए नए और खेल बनाओ, अंतहीन यात्रा है जी। क्षणिक तो हमें सुख मिलता है क्योंकि होने का बोध तो होता है उससे, बिना होने के बोध के तो आप जी ही नहीं सकते। आपको होने का बोध तो चाहिए, जब अकेले बैठे होते हो आप तो आपको क्या है, आपके होने का बोध गायब हो जाता है, इधर उधर हो जाते हो। फिर कोई आया और जैसे ही वो आया और तुम्हें होने का बोध हुआ और तुम्हें अच्छा लगने लगता है, तुम्हें लगता है कुछ करंट सा आ गया, अब उससे अहंकार पैदा होता। अब इतनी पराधीनता में जो आदमी जिएगा उस आदमी के जीवन में मौन और शांति कैसे आएगी, क्योंकि अहंकार तो मौन और शांति को खा जाता है पूरा का पूरा। अहंकार से क्या होता है, अहंकार की जो तकलीफ है वो क्या है? अहंकार की तकलीफ ये है, जो होना होता है अहंकार, उसकी तकलीफ ये है कि अहंकार हमें सबसे तोड़ के अलग खड़ा कर देता, हम अलग थलग पड़ जाते हैं अहंकार में, हम अकेले हो जाते हैं इस जगत में। हमें पता होता है हमारे होने का, लेकिन बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और हम जब अकेले होते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि अकेले हम हैं नहीं। और जब आप अपने होने की गवाही खुद देते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आप पूरा ब्रह्मांड होने लगते हैं, आप सबके साथ हो जाते हैं, पूरे संसार के साथ आप एक साथ हो जाते हैं। पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षी सब उस होने में समाये हुए, वो होना इतना विराट है, वो होना इतना विराट है कि उसमें समष्टि आ जाएगी पूरी की पूरी। तो अहंकार छूट गया और तुम में फिर जैसे ही तुम समष्टि की तरफ गए और तुम आनंदित हुए कि अहंकार की तरह तुम बड़े होना चाहते हो, कुछ चीज़ें पाके, कुछ लोगों से लेके, कुछ लोगों की गवाही लेके, और तुम बड़े हो नहीं पाते। और है मामला बड़े होने का ही, क्योंकि हम जिस ढंग से हैं वो इकाई की तरह हैं और उसकी पीड़ा भोग रहे। हमें जब अपने मैं का बोध हुआ वहीं से हमारी पीड़ा भी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया कि समष्टि से तोड़ दिया तुम्हें और व्यक्ति बना दिया। और व्यक्ति होने की बड़ी पीड़ा है, हमारी और कोई पीड़ा नहीं है, व्यक्ति होने की पीड़ा। और व्यक्ति को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति कभी पूरा होगा नहीं। कभी कोई आदमी
व्यक्ति की तरह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति हो गई तो तुम इकाई हो गए, सारा खेल बदल। अच्छा तुम हो समष्टि, मूल रूप से तुम समष्टि हो। देखो जैसे मैं उदाहरण के लिए एक बात कहूँ कि आपका शरीर है, क्या अलग कोई अंग आनंदित हो सकता है? आँख अलग से आनंदित हो सकती है, कान हो सकता है आनंदित, ये सब जुड़ा है, इसलिए मजा आ रहा कि तुम सब मिला के हो। अब उंगली और आप दो तो नहीं है, नाखून और आप दो नहीं है, आँख और आप दो नहीं है, आप समझती है, मतलब आप टोटल हैं। आपसे कोई कहेगा तो आप ये थोड़ी कहोगे मैं आँख हूँ कि मैं कान हूँ, आप कहोगे मैं देह हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अनुभव आपको देह होने का होगा। अब तुम इस पूरे ब्रह्मांड की देह हो और तुम अपने आप को आँख मान रहे हो। अब ये व्यक्ति मानना ये है कि आपने पूरी पूरी देह को आँख मान लिया है कि मैं तो आँख हूँ, तो आँख के गुणधर्म को जी रहे हो अकेले आप, बाकी तो एब्सेंट हो जाएगा। और आँख भी जब पूरे से नहीं जुड़ेगी तो मजा थोड़ी दी। तो यदि तुमने अहंकार की तरह जिया तो तुम कभी उंगली हो गए, अब हो तुम पूरी देह, लेकिन तुम्हें अहंकार की तरह बोध कैसा होगा? कभी कान होने का बोध हो रहा, अब कान होने का बोध का मतलब कभी तुम पत्नी हो, और फिर कभी तुम माँ हो तो नाक होने का बोध हो गया, कभी तुम ये हो कभी तुम वो हो। अच्छा चूंकि तुम हो समष्टि, अब माँ हो के तुम तृप्त हो नहीं सकते क्योंकि इकाई हो गए, पत्नी होकर तृप्त हो नहीं सकते इकाई हो गए, तुम कुछ भी होकर तृप्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ होते हो तो तुम टूट जाते हो तुमसे, जैसे तुम्हारी अकेली आंख को सेंस रह जाए और बाकी पूरा सेंस गायब हो जाए तो आंख की क्या हालत होगी? तुम्हारे एक हाथ को सेंस रह जाए बाकी सारे शरीर को सेंस ना रहे तो इस हाथ का भी क्या मतलब रहेगा? कोई भले ही जुड़ा है शरीर से लेकिन मजा तो नहीं आएगा, भले ही तुम अस्तित्व से जुड़े हो लेकिन मान्यता तो तुम्हारी व्यक्ति की है ना, और व्यक्ति होने की मान्यता ही तुम्हें तकलीफ दे रही है सारी। तो अभी मित्रों क्या करना है कि जब तुम पति के सामने जाओ तो पत्नी होने का मजा लेना बंद करो, माँ होने का मजा लेना बंद करो, फिर लड़की होने का मजा लेना बंद करो। जब किसी पुरुष के सामने जाओ तो तुम्हें लड़की होने का एहसास होता है, स्वाभाविक बात, क्योंकि अपोजिट का मामला है। अब ये धीरे 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 करते करते तुम्हें ये समझ में आ जाएगी, अगर तुम लड़की नहीं हो तो कुछ तो हो फिर, तो लड़की तो गायब हो जाएगी और तुम आत्मा में चले जाओगे सीधे, तुम आश्चर्य करोगे। जैसे ही लड़की पैदा होगी आत्मा प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे होने को तुम किसी चीज पे आरोपित मत करो, कोई चीज उस पे आरोपित ना हो रही हो, वो निखालिस होना हो। तो आपका मन पूरा का पूरा अगर तुम्हारे होने पे चला गया तो धीरे धीरे करते 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 आप में पहली बार आत्मा का पता लगेगा कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा को तो परमात्मा का सिर्फ स्मरण ही करना है और वो परमात्मा हो जाती है। मन कितना ही स्मरण करे परमात्मा होने का वो नहीं हो सकता है। हम मन से राम राम जपने की कोशिश कर रहे हैं, मन हमारा राम तक नहीं पहुंचा सकता है, कोई उपाय नहीं है। आत्मा से अगर आपके अंदर राम राम उठेगा, आत्मा में तो जो चीज़ उठेगी वो हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो चीज़ हो जाएगी। और आत्मा से ही संसार भी पैदा हो रहा, क्योंकि आपका आह्वान मन का परमात्मा होने के लिए तो है नहीं। मन मन तो आत्मा के प्रकाश में कहता कि मैं धनी हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं वो हो, आत्मा के प्रकाश से वह होता चला जाता। मजा देखिए, क्योंकि प्रकाश आत्मा का ही है संसार होने के लिए भी, और परमात्मा होने के लिए भी आत्मा का ही प्रकाश है। तो उस प्रकाश से प्रकाशित होकर जब तुम कोई भावना से भरते हो तो वे भावनाएं पूरी हो रही, उससे तुम्हारा संसार चल रहा, पूरी जिंदगी चल जाती। लेकिन तुम और नीचे गिरते चले जाते हो,
तुम आत्मा से मन होते हो, मन से इंद्रियां होते हो, शरीर होते हो, और फिर शरीर से पता नहीं क्या क्या हो जाते हो, बहुत दूर चले जाते हो अपने से, ये स्थिति होती है। तो आपको अपने को पलट लेना, जैसे ही आपका मन अपने शुद्ध होने में बैठने लगेगा। अब ध्यान क्या है? ध्यान में हम बैठते हैं आंख बंद करके, तुम विचारों विचारों को नहीं देख सकते, कुछ नहीं हो सकता। एक ही काम करो, ध्यान में भी बैठो, जब तुम तुम्हारी मौजूदगी बना कर रखो, मन इतना मौजूद कर लो अपने में कि तुम यहीं मौजूद रहो इसी क्षण में। अब इस क्षण में मौजूद जैसे ही तुम रहोगे तो मन आत्मा में लय होने लगेगा, भटकाव बंद हो जाएगा। पूरी की पूरी, पूरा का पूरा विज्ञान धर्म का ये है कि मन को आत्मा में लय करना, क्योंकि मन निकला, जो मन में ऊर्जा है, जो मन चल रहा है, वो आत्मा से ही चल रहा है। और संसार बनता है क्योंकि आत्मा ही मन को देह बना कर सारा संसार रच देती है। क्योंकि यहाँ संसार और परमात्मा भी दो नहीं है, मजा देखिए, आत्मा ने ही मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से इसकी रचना रच दी। और शरीर मन में चला जाए, लौटते ऐसे हैं कि शरीर मन में चला जाए, मन आत्मा में चला जाए, आत्मा परमात्मा में चला जाए। तो हम जिस सोर्स से आए हैं, हम उसी सोर्स में जाने के लिए पैदा हुए हैं, ये मानो। आप कितनी कोशिश करना, कहीं भी जाना, कितने ही भागना, कितने ही दौड़ना, लेकिन जब तक तुम जहां से आए हो वहां पहुंचना जाओ, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति, आनंद, उत्सव, और ये जो जन्म हुआ है उसके प्रति धन्यवाद, जिसे मुक्ति कहते हैं, जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है उसके प्रति एक एक सांस में अहो भाव पैदा हो तुम्हें, एक एक सांस में, और निश्चित ही तुम्हें एक एक सांस में अहो भाव पैदा होगा कि मनुष्य का जन्म लेने का मतलब ही दूसरा हो गया। ये तो बात ही बदल गई पूरी की पूरी। ना तो ये बात हमें माँ बाप ने सिखाई, सब उल्टा सिखाते हैं, माँ बाप उल्टा सिखाते हैं, यार दोस्त सब उल्टा सिखाते हैं, किसी के पास वो विद्या है नहीं। गुरु के पास ये विद्या होती है। गुरु कहता है कि अब बहुत भटक लिए, अब थोड़ी सी मेरी सुन लो, और वो तुम्हारे होने से तुम्हें जोड़ने लगता। एक तो उसकी मौजूदगी भी तुम्हारा होना, तुम अगर किसी गुरु के प्रेम में पड़ जाओ तो क्या घटेगा। गुरु आत्मा जैसा होता है, शरीर जैसा नहीं होता। उसकी मौजूदगी में तुम्हें अपनी मौजूदगी अनुभव होने लगेगी, तुम्हारी आत्मा ज़्यादा प्रकट, ज़्यादा अनुभव करने लगोगे तुम। उधर तुम अपने मन को डाल दो, लगा दो। तो गुरु क्या कर सकता है कि आपकी आत्मा में मौजूदगी ज़्यादा पैदा करता है, उसकी मौजूदगी से ऐसा होता। अब आपका काम है कि आपके मन को उस मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में, कोई गुरु का मंत्र जपना है ऐसा नहीं है। गुरु तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, गुरु करता नहीं है कुछ, उसकी मौजूदगी में तुम्हारी आत्मा मौजूद होती है, उसकी बातचीत में भी आत्मा मौजूद होती है। अब जब आत्मा का तुम्हें स्पर्श जैसा होने लगे, तो आत्मा का मतलब यह है कि तुम ज़्यादा मौजूद होने लगे। अभी तुम बेहोश थे, फिर तुम्हें ऐसा लगे, सत्संग में होता क्या है, हम मौजूद होने लगते, उसी का मज़ा आता। कोई मज़ा कोई देता है ऐसा नहीं है, ये मज़ा पूरा का पूरा मौजूदगी का है। अब तो सूत्र हाथ लग गया कि यार मज़ा जो है ज़िंदगी में, जब ऐसी झलकें यहाँ आ जाएं, ऐसा होता ही है, देश शिविरों में इस तरह के खेल होते हैं, कि मज़ा जो है हमारी मौजूदगी का ही है। तो फिर जो है आप एक एक कदम होश से चलना शुरू करो। अब इसके बाद होगी ये यात्रा, तो आपके चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में आप कुछ मत करो, मौजूद रहो। ज़्यादा खाना खा रहे हो तो ऐसे खाओ कि जैसे आखिरी काम कर रहे हो आप ज़िंदगी का। अब कोई काम आखिरी कर रहे हो तो कितना इंटेंसिटी से करोगे, और हर काम आखिरी ही होता। तो तुम्हारी मौजूदगी को बढ़ाना है, तुम्हारी मौजूदगी को बढ़ाना। और जैसे जैसे तुम्हारी मौजूदगी बढ़ेगी, मन की मौजूदगी कम होगी, अहंकार की मौजूदगी कम होगी,
क्योंकि तुम तुम्हारी मौजूदगी से इतने आनंदित हो गए कि अब तुम्हें पत्नी बन के मौजूद होकर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ना प्रेम करने की ज़रूरत है ना झगड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम मौजूदगी ही ढूंढ रहे थे पति के सानिध्य में भी, तुम माँ बन के भी मौजूदगी ही ढूंढ रहे थे। मज़ा देखो, तुम और इस संसार में कुछ ढूंढ नहीं रहे हो, तुम्हारी मौजूदगी खो गई है और तुम अपनी मौजूदगी ढूंढ रहे हो। और जब सत्संग में आदमी इसलिए जाता है कि सत्संग में उसे मौजूदगी का पता लगता है और उसका आता है मज़ा। परमात्मा कहीं इधर उधर से नहीं आएगा, सब भीतर का मामला है। जैसे जैसे तुम मौजूद होगे तुम परमात्मा होगे, तुम आत्मा होगे, और जब परमात्मा होगे तो गुणधर्म बदलेंगे ना जीने के, क्योंकि जो शरीर शरीर नहीं रहेगा फिर, जो कोई और चीज हो जाएगी, जो शरीर परमात्मा की देह हो जाएगी, और ये शरीर परमात्मा की देह ही है, वही खेल खेल रहा। बस हमें पता उस तरफ से लगना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होगे तो आपको साफ लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और साफ लगेगा मैं मन नहीं हूँ। और ये मौजूदगी इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी, इसका अंत ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को संभाले, इतनी बढ़ जाए। तो मित्रों, हम सब बिल्कुल उस जगह पे खड़े हैं जहाँ से परमात्मा शुरू होता है। और ये शिविरों में आने का मतलब ही ये होता है, क्योंकि घर गृहस्थी में तुम संभाल नहीं पाते अपनी मौजूदगी, क्योंकि तुम्हें रस तो माँ होने में है। माँ होने की मौजूदगी में इतने मज़े ले रहे हो तुम, आखिर उसमें उपद्रव दुनिया भर के हो रहा है। वो मौजूदगी तुम्हें इतनी सता रही फिर भी नहीं थकी। पत्नी होने की मौजूदगी से तुमने कितना जी लिया, कितने उपद्रव हुए हैं उससे। कोई बड़ा भारी मज़ा आ गया क्या पति होने की मौजूदगी में? थकाती हैं जी मौजूदगियाँ सब। जब इसलिए तो संसार में भेजा जाता है कि तुम जो सारी मौजूदगी जो बना कर रखी है तुमने, चाहे धनी होने की हो, चाहे गरीब होने की हो, चाहे अमीर होने की हो, चाहे पद पे बैठे हो, वो सारी की सारी उल्टी मौजूदगियाँ। तुम किसी वजह से मौजूद होते हो और किसी वजह से जब तुम मौजूद होते हो तो उसमें कैद हो जाते हो। तुम आश्चर्य करो, पति की मौजूदगी से पत्नी अपने आप में कैद हो जाती है, अब आनंदित कैसे होगी? माँ की मौजूदगी में बेटी कैद हो जाती है, बेटी की मौजूदगी में माँ कैद हो जाती है। तो क्षणिक तो मौजूदगी का मजा आता है, लेकिन वो बोझ बन जाता है। इसलिए जो काम धंधे में पति देव चले जाते हैं बाहर, वो अच्छा जिनके घर में रहते उनकी बड़ी आफत, क्योंकि उनकी मौजूदगी में तुम्हें पत्नी बनकर ज़्यादा देर मौजूद रहना पड़ा तो तुम थक जाओगे। थकोगे कि नहीं? तो तुम बदलते रहते हो यार कि हम जरा बाहर जाते हैं, थोड़े दोस्तों में बातें कर ले, कम से कम थोड़ा छुटकारा तो हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सच पूछो तो बंधन है, बंधन की तरह काम करती हैं। अब तुम मौजूद हो के, खुद में मौजूद हो के पति के सामने खड़े हो तो देखो, तुम अगर अपने से मौजूद हो तो तुम्हारा पति परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा हो गए ना। अब ये रिश्ता कितना मज़ेदार होगा फिर, जब पति परमात्मा हो जाए, पत्नी परमात्मा हो जाए, क्योंकि परमात्मा ही खेल रहा, कोई है नहीं, पता नहीं। बड़ा विचित्र खेल है कि परमात्मा का ही खेल चल रहा है जी। वो पति होकर भी खेल रहा, पत्नी होकर भी खेल रहा, लेकिन इस तरफ से अगर जाओगे तो वो अहंकार का खेल रहेगा। इस तरफ से जो मौजूदगी आती है वो कैद कर लेगी, और उस तरफ से जब तुम मौजूद होगे तो सिर्फ मौजूद होगे, पत्नी नहीं होगे। आपके पति को तुम बहुत अच्छी लगोगी फिर। आपका पति पति नहीं होगा, मौजूद होगा, मात्र मौजूद होगा, पति होकर मौजूद नहीं। पति होकर मौजूद तो तुम्हें प्राण ले रहा, और अकेली मौजूदगी आपको समझ में आए तो वो अस्तित्व है, फिर वो अस्तित्व की मौजूदगी। यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अस्तित्व की तरह हैं, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है,
ना कोई भाई है ना कोई बहन है, अस्तित्व ने विभिन्न तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज की है। ये खेल खेला है पूरा का पूरा, गजब का खेल है, इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। संसार अगर नहीं होता तो परमात्मा होता ही नहीं। संसार अद्भुत चीज का, क्यों? खेल उसने खेला है। अब बिगाड़ तो बिगड़ कैसे गया कि हम धीरे धीरे हमारी मौजूदगी के लिए हम तरसते हैं दूसरों पर, हम अपनी मौजूदगी बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल मौजूद नहीं रहते। कोई मौजूद कर देता है तो हम जिंदा रहते हैं। अकेला आदमी को छोड़ दो, कमरे में बंद कर दो, टीवी ना हो कुछ भी ना हो, तो शाम तक तो उसकी 12 बज जाए, क्योंकि उसको कहीं से भी उसकी मौजूदगी का अनुभव नहीं हो रहा और खुद की मौजूदगी तो है नहीं, तो प्राण निकल जाते हैं कि भागो यार, बाजार में जाओ, दुकान पर जाओ, शॉपिंग कर लो, जो करना हो वो करो। वहाँ ग्राहकी करते करते भी आप मौजूद हो जाते, पैसे देते हैं जब दुकानदार के सामने आप ग्राहक की तरह मौजूद है, पैसा है ना जेब में आप, उसका मज़ा आता है आपको। मतलब हम कोई ना कोई छोटा सा मज़ा लेते रहते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। फिर मंदिरों में चले जाएंगे टाइम पास करने, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। और जब तक तुमको सीधी मौजूदगी का पता नहीं लगेगा मित्रों, तुम ये बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये बंधन है नहीं, ये तुम्हारे पाले हुए हैं, तुमने ही पाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा जिसको तुम भोग रहे हो। अब तुम हो तो परमात्मा, हो तो अस्तित्व, और पत्नी होकर जियोगे तो तकलीफ तो होना ही होना, या माँ होकर जियोगे या कुछ और होकर जियोगे। तुम दूसरों से अपनी मौजूदगी अनुभव कराओगे तो वो दूसरे तो फिर क्या करेंगे, कभी मौजूदगी पॉजिटिव जाएगी कभी नेगेटिव जाएगी, कभी बेटा सुनेगा कभी नहीं सुनेगा। जब नहीं सुनेगा तो माँ की मौजूदगी खराब हो जाएगी, तो लगेगा कि बेकार ही हो गया काम। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये लगता है कि हमने काहे को बच्चे पैदा किए, पत्नी की तरफ वे आप उसमें खेल चलता उनका, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल घास नहीं डालते। तो होता क्या है, तुम्हें मज़ा तो आ रहा था, वो तुम्हें माँ होने का मज़ा दिला रहे थे, अब नहीं दिला रहे, चले जाते हैं ऐसे ही, ध्यान नहीं देते। तो आपको लगता है कि बेटा ध्यान नहीं दे रहा। अब जो पीड़ाएँ इस तरह की हैं, क्यों देगा ध्यान, उसे जहाँ दे रहा है वहाँ दे रहा है। और तुम तो गुलाम तो थे ही, तो गुलामी तोड़ रहा है एक तरह से देखो तो। तो आप ये पूरा विज्ञान अगर समझ लोगे तो क्या होगा कि आप तय कर लो कि अब मज़ा तो अपनी मौजूदगी का है यार। और फिर उठते बैठते खाते पीते, चाहे कोई हो चाहे ना हो, आपको आपके भीतर कोई झरझर बरसात होगी, आपके कदम पे घुंघरू बन जाएंगे, आप नाचते हुए जिंदगी जियोगे, और जो भी मिलेगा उसे गले लगाने का दिल करेगा, क्योंकि आप पे आपसे ज़्यादा है। और जब तक हम पे प्रेम हमसे ज़्यादा ना हो, हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। ये सब झूठ बोलते हैं, प्रेम की सब बातें हैं। प्रेम तुमसे ज़्यादा हो तुम्हारे पास, इतना हो लुटाने हो, और लुटाने प्रेम तुम में जब आएगा जब तुम जबरदस्त मौजूद हो अपने में। जितने जितने तुम मौजूद होगे उतना उतना प्रेम तुम में से उठेगा, और ये सारा संसार तुम्हें सुंदर लगेगा, तुम्हारे बेटे भी सुंदर लगेंगे, बेटे की तरह नहीं अस्तित्व की तरह। तुम्हारा पति भी सुंदर लगेगा, पति की तरह नहीं, पति की तरह तो उपद्रव, अस्तित्व की तरह। आप देखिए आपके सब काम काज जो भी हो रहे हैं, पूरा गेस्टाल्ट बदलता है। धर्म धर्म का खेल है कि तुम जहाँ खड़े हो तुम्हारी दृष्टि बदल देता है, तुम परमात्मा की आँख से देखने लगते हो। अभी तुम व्यक्ति की आँख से देख रहे हो और व्यक्ति के तो रूप बदलते रहते हैं दुनिया भर के, तो मज़ा तो आता नहीं है किसी चीज़ में। और जब तुम परमात्मा की आँख से देखने लगे, और हम जिसकी आँख से देखते वही हो जाते हैं, हम परमात्मा की आँख से देखते हैं तो जो दिखता है वो परमात्मा ही हो जाता है। देखो वासना की आँख से देखोगे तो जो चीज़ दिखेगी वो वासना हो जाती है, क्रोध की आँख से देखोगे तो वो चीज़ क्रोधमय हो जाती है। आँख का ही खेल है ना, और परमात्मा की आँख से देखोगे तो बात ही बदल जाएगी। परमात्मा की आँख पैदा करनी है तो परमात्मा ही की आँख। तुमने अपनी मान ले तो कोई क्या करे, तुमने ये मान ली कि अपनी है, अब जो मान लो वही गुणधर्म होते,
तुमने इतना मान लिया है कि मैं तो स्त्री से ज़्यादा नहीं हूँ और किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, बस इतने घेरे में अगर ज़िंदगी जी ली, ये ज़िंदगी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम स्त्री से ज़्यादा हो, माँ से ज़्यादा हो, हर चीज़ से ज़्यादा तुम एक एग्जिस्टेंस हो, तुम परमात्मा हो मेरी दृष्टि में। तो भगवान जब आते थे, हम जब उनको सुनते थे जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो पहले आके वो सबके हाथ जोड़ते थे और एक बात कहते थे शुरू शुरू में कि मैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। उनकी क्या आँख थी, वो सारे लोगों में परमात्मा का एहसास करा देते थे जब वो इस तरह से कहते थे। और वो ऐसे नहीं कहते थे कि तुम्हें रिझाने कह रहे हो, उन्हें दिखता था क्योंकि वो परमात्मा थे, तो परमात्मा की आँख से दिखते थे। और परमात्मा की आँख से तुम्हारे कभी क्षण में, किसी क्षण में अगर ऐसा हो जाए, एकाध बार भी अनुभव हो जाए, तो तुम्हें ये सृष्टि ऐसी दिख रही है, ये ऐसी दिखेगी नहीं, ये हमारी वजह से ऐसी दिखती है, क्योंकि हम जो चश्मा पहने वैसी दिख रही है। हम मौजूद ही कहाँ हैं अपने में, अब हमारे अंदर जो चीज़ मौजूद है वही देखेगी, हम हैं कहाँ। हमारे अंदर कभी माँ मौजूद होती, कभी पत्नी मौजूद होती, कभी बहन मौजूद होती है, कभी गरीबी मौजूद होती, कभी अमीरी मौजूद होती, कभी कलेक्टर मौजूद होता, कभी कंपाउंडर मौजूद, कभी नौकर मौजूद होता। तो जो आँख होती उसी से देखते रहते हैं, वही हो जाते हैं। और बने हो तुम परमात्मा की आँख से देखने, तो परमात्मा होने की कला उसको सिखाते हैं। वो ये नहीं कहते कि परमात्मा तुम्हें दर्शन मिलेंगे, कहीं हो जाएगा कहीं ऐसा, वो ये कहते हैं कि तुम वही हो लेकिन तुम्हें पता नहीं, और तुम्हें पता कैसे लग जाए उसकी भी 1760 विधियाँ बनाई हूँ। वो सारी विधियाँ क्या करती हैं, तुम्हें मौजूद करती है, डायनेमिक करके तुम संसार में जैसे थे वैसे से थोड़े ज़्यादा मौजूद हो जाते हो, एक मौजूदगी बढ़ जाती है, आपको मज़ा आता है। नाद कोई भी ध्यान करो, सत्संग में जाओ, आपकी मौजूदगी बढ़ती है और मौजूदगी का आपको मजा आने लगता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। उस पे तुम्हारा प्रकाश नहीं जाता कि गजब का काम हो रहा है ये। और ये अगर एक घंटे ध्यान करने से होता है, तो अगर मैं जीवन में ध्यान को संवारूं तो कितना मजा आएगा। अपार आनंद भरा है आपके भीतर, अपार संपदा जो सारे संसार को लुटाई जा सकती है प्रेम की, आनंद की, और आप कटोरा लेके घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहा हो सम्राट और भीख मांग रहे हो, तो तृप्ति कैसे हो। हम पता नहीं किन किन तरह से भीख मांगते हैं, भीख मांगने के अपने अपने अंदाज हैं, लोग भीख ही मांग रहे हैं कहीं से ना कहीं से, और तुम सम्राट की तरह हो। और ऐसा गुरु मिला है अपन को जो सबकी संभावना देखता है सम्राट बनाने की, तो वो कहता है कि सवेरे से ही मौजूद होना शुरू कर दो तुम, पहली मौजूदगी तुम्हें सवेरे मिलेगी, वो मौजूदगी परमात्मा की तुम मान के चलो, और उसी मौजूदगी में तुम अब जियो जीवन। शाम तक तुम थकोगे नहीं, शाम तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि और डांस किया जाए, इतने ताजे रहोगे आप। ये मौजूदगी गजब ताजा करती है, पता नहीं क्यों भूला हुआ है आदमी, मेरी तो यही समझ में नहीं आता, इतना ताजा करती है ये कि आपकी ताजगी दूसरों को छू जाए, इतना ताज़ा करती है। और वो सारी विद्या खोल दी भगवान ने, पूरा विज्ञान खोल कर रखा है कि मैं रहूं ना रहूं, अगर तुम मेरे विज्ञान से चलोगे तो आज नहीं कल तुम मेरी अवस्था में पहुंच ही जाओगे, मेरी यानी तुम अपनी अवस्था में पहुंच जाओगे। समय ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हाँ, तो हम शायद अब दूसरा भी प्रश्न कहोगे तो मैं घुमा के तो वहीं लाऊंगा। मैं तो क्या है, किसी भी प्रश्न के उत्तर में तुम्हें तुमसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, बातें मेरी बहाने होती हैं कि कैसे तुम थोड़ी देर को भी मौजूद हो जाओ। और ऐसा होता है,
अब मेरी और आपकी बातचीत हुई थी और अब में फ़र्क होगा निश्चित, किसी एक आदमी ना हुआ हो तो नहीं कह सकते, लेकिन बदलता तो है क्योंकि तुम मौजूद होगे, तो मैं नहीं कर रहा जी, तुम ही बदल रहे हो भीतर से। तुम जितने जितने मौजूद होगे उतने उतने तरोताजा हो। अब ये तो यार विज्ञान ही हाथ में आ गया, अब भटकने की कहाँ ज़रूरत है। तो अगर ज़्यादा विचारों में खोए हो, पद्र में पड़े हो, तो एक आध डट के ध्यान कर लो, नादव्रम कुंडली जैसा, मौजूदगी बढ़ जाएगी, फिर पकड़ के चलो। ये कोई रोज रोज करने के नहीं है, लेकिन भूल गए तो करो फिर। अगर तुम मौजूदगी भूल गए तो ध्यान करो, तीन बार करो अगर ज़्यादा भूल रहे हो, और मौजूदगी पकड़ में आ गई तो उस छोर को पकड़ के चलो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा का कोई छोर पकड़ना पड़ेगा। तुम ऊपर कितनी याद करते रहो, और होती शुरुआत तुमसे। ये मामला इसलिए मैंने इतनी रामायण कही कि ये शुरुआत तुमसे होगा, तुम्हारे भीतर मौजूदगी बढ़ाओगे। बोलिए, इधर आओ आप। तो ध्यान भी ठीक लग जाता है, ध्यान के बाद विचारों से भी मुक्ति मिल जाती है, और ध्यान के बाद और विचारों की मुक्ति के बाद तंद्रा में भी चला जाता हूँ, और तंद्रा के बाद कब निंद्रा में चला जाता हूँ पता नहीं चलता। इस अवस्था को क्या समझा? नहीं देखिए, ये एक अवस्था है, अभी इसे फाइनल मत समझो, आप फाइनल मत समझो, इसे फाइनल मत समझो, इसको भी जियो, जो भी निकल जाएगी ये अवस्था में से भी आप निकल जाओगे, क्योंकि ये एक तरह का पड़ाव है जी, एक तो पड़ाव है। हाँ, लेकिन जाग के जीने की कला मत भूलना जी। जाग के जीने की कला में ये सब चला जाएगा, कोई और खुल जाएगा, है शुभ, ये तंद्रा मंद्रा सब चली जाएगी। तंद्रा और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि तंद्रा और गैर तंद्रा एक हो जाएगी, वो आगे की बात है। तो थोड़े दिन आप इस प्रयोग को लगातार रखो, जो भी प्रयोग करो, होश को नहीं छोड़ना, अपने साथ इतने मौजूद रहो, इतने मौजूद रहो। जब ज़्यादा मौजूद रहोगे विचार कैसे घुसेंगे तुम्हारे भीतर, भाव कैसे घुसे, तुम पहले बैठे हो, ये तो तुम नहीं होते तो खटर पटर होती, तो अब तंद्रा भी कैसे घुसेगी। अब तुम्हारी क्या कि बहुत तंद्रा में तुम गैर मौजूद होने लगे तो तंद्रा हावी हो जाती है, अगर आप और मौजूद रहो तो तंद्रा भी चली जाएगी, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ होना चाहिए, तंद्रा हमें बाहर दिखाई दे रही है। तो अगर मौजूद ज़्यादा रहोगे तंद्रा साफ, वहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम्हारी प्योर मौजूदगी है, प्योर कॉन्शियसनेस, और उसमें कोई बैरियर काम नहीं कर सकता, इस संसार की कोई चीज़ उसमें घुस नहीं सकती है, वो आर पार है, सब सब समाया हुआ है उसमें और अछूता है। तो चरे बेती चलते रहो, ठीक। कौन सी विधि सबसे अच्छी है पुरुषों के लिए, आपके लिए? मतलब देखिए, गहरे में जाने के लिए अगर आपको तय हो गया है कि गहरे में जाना, पहले तो पहले ये निर्णय हो कि सच में गहरे में जाना, क्योंकि गहरे में जाने में कई कई बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि चित्त में बैराग आता है गहरे में, जैसे जैसे गहरे में जाओगे बैराग आएगा, बैराग आएगा तो जिन चीज़ों को तुम सच मान रहे थे वो सब झूठी होती चली जाएंगी। बैराग का ये मतलब नहीं है भागना है, लेकिन उनकी मान्यता खंडित होती चली जाएगी। विधि जो है बैराग में ले जाने की त्राटक है, आप त्राटक करिए पुरुषों के लिए, स्त्रियों को नहीं। अगर तय कर लिया है आपने कि गहरे में जाना, क्योंकि ये जो सेंटर है, ये सेंटर हमारा प्रवेश इसी से होना, जीव बाहर घूम रहा, यहाँ से केंद्र खुलता है और हम जीव ब्रह्म में लय हो जाता, यहीं से खुलता। त्राटक विधि ऐसी है
कि अगर गहरे में जाने का तय है तो वो आपका खोलेगी, और त्राटक के साथ डायनेमिक हो। कारण है कि अगर विकार रह गए और संवेदना यहाँ ज़्यादा हो गई तो संवेदना आपको इतना भूत प्रेत की तरह परेशान करेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए ये दो प्रयोग आपको डेली करने, एक तो डायनेमिक करना, गजब का कैथारसिस करो, पूरी संवेदना को जगा लो, नेगेटिविटी आपके भीतर से पूरी निकल जाए, और फिर आप करो त्राटक, इसको संवेदनशील बनाओ, आँखें पूरी की पूरी बदल जाएंगी और यहाँ से आपका द्वार खुल जाए। तो गहरा आदमी ऐसे नहीं होता, हम तो बाहर रहें छूते रहते हैं सिर्फ, जब जब भी कोई का प्रवेश हुआ यहीं से हुआ। जो नीचे वाले चक्र हैं ये सारे फीलिंग चक्र हैं, ये चक्र जितने भी हैं ये सफाई के लिए हैं, कंठ तक, कंठ तक पूरी सफाई होती है, इनसे बैराग की अवस्था जन्म जाती है, लेकिन प्रवेश इनमें से नहीं हो सकता, द्वार एक ही है। प्रवेश का द्वार ये है धर्म में, और मोक्ष का द्वार ये है, यहाँ से मोक्ष होता है, यहाँ से प्रवेश होता है। स्त्री का हृदय से प्रवेश होता, स्त्री आज्ञाचक से प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे त्राटक करने की मना करते हैं। कभी किसी स्त्री को त्राटक नहीं करना चाहिए, नहीं वो बहुत बड़े उपद्रव में जाएगी, इतने कन्फ्यूजन होने लगेंगे उसे, सब उलझ जाएगा उसको, वो जाएगी हृदय से, हृदय चक्र पर जागृति लानी है उसे, बहुत सीधी हृदय में से घुस जाती है भीतर। अंधेरे में डर लगता है, इसी वजह से क्यों लगता है? अंधेरे में डर नहीं लगता तुम्हें, अंधेरे से डर नहीं है, डर है अज्ञात का, अंधेरे का डर नहीं। आप जितनी चीज़ों आपके ज्ञान में वो होती हैं तो उनसे भय नहीं होता, और आपके ज्ञान में नहीं है तो भय लगेगा। अब जैसे अंधेरे रास्ते से आप निकलते हो, अंधेरे रास्ते से, और प्रकाश में निकलते हो, उसी रास्ते से प्रकाश में आप आराम से निकल जाते हो, और उसी रास्ते से अंधेरे में आप कितने भूत प्रेत पैदा करते हो, क्योंकि अंधेरे में आपका अंधेरा क्या करता है कि अज्ञात में ले जाता है आपको। अब अज्ञात में कुछ भी घट सकता, अंधेरे का डर थोड़ी लग रहा, कहने की बात है कि अंधेरे का डर, अंधेरा क्या डराएगा, अंधेरा नहीं डराएगा, अंधेरा हमें अज्ञात में ले जाता, और अज्ञात में क्या घट जाएगा, सांप निकल आए, बिच्छू निकल आए, भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, कुछ तो डर माना किस चीज़ का डर है, अंधेरे का है क्या, अंधेरा क्या कर रहा बेचारा। लेकिन अंधेरा हमको अननोन में ले जाता, मौत भी क्या है, हम मौत से क्यों डरते, तो मौत भी कहाँ ले जा रही है ये पता नहीं, मौत का सीधा डर किसको है, लेकिन कहाँ ले जा रही है वो अज्ञात का डर है। जो जितने डर हैं संसार में आदमी को वो अज्ञात के हैं, कोई अज्ञात आदमी मिल जाए तो डरोगे तुम, जब तक वो तुम्हारे दिमाग में फिट ना बैठ जाए आपको उससे डर लगेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो अब डर किस चीज़ के हैं, अज्ञात के, ये मान के चलो, परिभाषा बदलो, अंधेरे का डर है ऐसा नहीं, कहने में ऐसा लगता है कि अंधेरे का, अंधेरा गरीब क्या करे, अंधेरा तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अगर अज्ञात का डर ना हो तो अंधेरे में जीने का बड़ा मज़ा है, क्योंकि प्रकाश तो फिर भी छिछला है, अंधेरा तो गजब का एक है, जरा अंदाज लगाओ सारा ब्रह्मांड एक कर देता अंधेरा, और उजेले में तो चित्त तुम्हारा भटकते ही रहता, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली, अंधेरे में सब लय हो जाते हैं, हो जाते हैं। अगर अज्ञात का भय ना हो, ऐसा मानो कि अज्ञात का भय रहता, अंधेरे का भय नहीं रहता। और अज्ञात क्यों है कि हम बेहोश हैं, हमारी बेहोशी टूट जाए तो हमने जो अटकलें लगाई हैं हमारे बारे में सब खत्म हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जब प्रयोग करोगे तो ये सब ज्ञात कर देता, सारा अज्ञात ज्ञात हो जाता है यहाँ से, और जैसे ही अज्ञात ज्ञात होता है तुम अंधेरे में प्रेम से प्रवेश कर सकते हो। अंधेरे में तो जाना ही पड़ेगा, भगवान ने एक जगह कहा है, एक लास्ट बैरियर है, ब्लैक नाइट ऑफ द सोल,
वहीं सारा संसार डूबेगा तुम्हारा, बड़े गहरे अंधेरे से गुजरो, बड़े गहरे अंधेरे से। लेकिन अज्ञात के भय से निकल जाओगे तो ही जा पाओगे उसमें। प्रवेश तो सबका अंधेरे में ही होता, प्रकाश तो बात की बात है, क्योंकि ले तो मैं प्रकाश नहीं कर सकता, ले अंधेरा करेगा, और तभी तुम मालिक होगे प्रकाश में जीने के। तो वो प्रकाश तो तुम हो जाओगे, फिर अंधेरे से निकले के तुम स्वयं ही प्रकाश हो जाओ। और गहरे जाने का मैंने रास्ता बता दिया, डायनेमिक करो डट के, अकेला त्राटक करोगे उलझ जाओगे, बात नहीं बनेगी। सरल लगता है लेकिन बात नहीं, और स्त्रियों को भूल कर नहीं करना, करेंगी तो वे बहुत उलझेंगी। तो मैंने बहुत प्रयोग देखे हैं जिनने करे, वो मेरे पास आते हैं फिर बाद में कि हम संभलें कैसे। 2 महीने से त्राटक कर रहा हूँ, 15-20 दिन तो ठीक है, उसके बाद से क्या? 2 महीने से त्राटक कर रहा, थोड़े आगे जाओ, मुझे मिले थे जब से ही कर रहे हैं। अच्छा, 15-20 दिन ठीक रहा, अब ज़्यादा क्रोध नेगेटिविटी ज़्यादा हैवी हो गई है त्राटक के साथ, कुंडली बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अब 1-1.5 महीने से ज़्यादा क्रोध आ रहा है। अरे ये तुम टाइम वाइम की बात छोड़ो, जब तक दरवाज़ा नहीं खुला तब तक करते रहो, उसकी कोई लिमिट थोड़ी है। आपके अंदर कितना अज्ञात फंसा है, क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा? क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है त्राटक कि काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, वे बढ़ नहीं रहे, वे उभर रहे, ये सब खा जाएगी जी ऊर्जा। और उसको देखो, क्रोध बढ़ रहा है तो क्रोध में कोई को मारना नहीं है, देखना। लोभ बढ़ रहा है तो लोभ में भी देखना है अब, क्योंकि देखने की दृष्टि त्राटक से आएगी, और जैसी जैसी दृष्टि आएगी ऐसा ऐसा उपद्रव भी बढ़ेंगे, क्योंकि तुम बड़े पैमाने पर देख सकते हो, इतनी क्षमता है तुम्हारी। तो क्रोध बढ़ेगा निश्चित, इसलिए तो मैं औरतों में मना करता हूँ कि औरतें करेंगी तो आफत हो जाएगी। ये बढ़ रहा है जो शुभ है, इतना बढ़ेगा कि कुछ पूछो मत, लेकिन किसी पर हावी नहीं होना। इसलिए ये प्रयोग थोड़ा सा डेलिकेट रहते हैं, ये जो त्राटक है थोड़ा डेलिकेट रहता है, इसलिए 2-3 ध्यान पहले दूसरे होना चाहिए जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा को इतना बढ़ा दें कि आप क्रोध को देख सकें, हावी ना हो जाएं, किसी पे चढ़ ना जाएं। तो अगर आप दूसरे प्रयोग कर रहे हैं तो ये बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं, और बंद मत करो। और कोई बड़ी भारी समस्या तो मुझे याद करना, फ़ोन करना, कभी कभी इसमें मेरी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ आदमी कौन कौन सी साइकोलॉजी में चला जाता है, उधर कभी उलझन भी आती है, तो अपन उस विषय में बात कर लेंगे, सिर्फ बात करने से ही निकल जाता है। क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कोई चीज़ को और वो बैठ जाती है हमारे दिमाग। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ।